तो जैसे फ्रेंड्स, अभी इस स्पीड कंट्रोलर को बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा हीट सिंक यूज में लेने वाले हैं। इसके बाद हमें चाहिए होगा एक IRF Z44 MOSFET, जो कि आपको नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में ओनली 10 रुपए में मिल जाएगा। तो अभी हम क्या करना है, इसे हीट सिंक में सिंपल तरीके से कस लेते हैं और इसकी तीनों लैगों को इस तरीके से हम थोड़ा दूर दूर कर लेते हैं। और इसके बाद अभी हमें क्या करना होगा तो आपको वीडियो में मालूम पड़ जाएगा। सो गाइस, अभी इस MOSFET के हम तीनों टांगों में थोड़ा सा भी माल पानी यहाँ पर लगा लेते हैं, जैसे कि जो इसकी सोल्डिंग है ये कर लेते हैं। तो इसके बाद अभी क्या करना होगा, हमें एक चाहिए होगा एक पोटेंशियोमीटर इस तरीके का। तो ये गाइस आपको नॉर्मल तरीके से इलेक्ट्रॉनिक शॉप में 10 रुपए का या 11 रुपए का मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे 100K का यूज किया, आप इसकी जगह पर 10K का भी यूज कर सकते हो। तो अभी हमें क्या करना होगा, MOSFET की फर्स्ट और सेकंड लेग को पोटेंशियोमीटर की सेकंड और थर्ड लेग से अटैच करना होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सोल्डिंग कर लेते हैं। सो गाइस, इसके सभी कनेक्शन आपको एकदम बढ़िया तरीके से करने हैं। तो जैसे फ्रेंड्स, इसका जो डायग्राम है आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, वहां से जाकर इसका देख सकते हो, आप बना लेना। तो जैसे कि हमारे बन के रेडी हो गया है इतना, तो अभी आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। जो MOSFET के जो फर्स्ट और सेकंड लेग है हमने पोटेंशियोमीटर की सेकंड और थर्ड लेग से अटैच कर लिया है, और इसकी दोनों की साइड वाली जो लेग है वो भी खाली है। तो चलिए फिर इसके हम आउटपुट के और इनपुट के वायर को अटैच कर लेते हैं। तो जैसे गाइस, आपको वीडियो में जो अभी डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के हिसाब से अभी हम इसके इनपुट और आउटपुट के वायर को सोल्डिंग कर लेते हैं। सो गाइस, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ब्लैक वायर को इस तरीके से यूज किया है, और जो कि मैंने बीच में यहाँ पे एक लूप बना लिया है। तो अभी हमें क्या करना है, जो हमने सर्किट बनाया हुआ, इस सर्किट के जो फर्स्ट वाली लेग है आपको जो दिख रहा होगा पोटेंशियोमीटर की फर्स्ट वाली लेग में, इसे हमें कुछ इस तरीके से सोल्ड कर लेना है। ये गाइस इसका ग्राउंड का वायर है, जो कि नेगेटिव है हमारे बैटरी का और नेगेटिव हमारा आउटपुट का। तो अभी हम यहाँ पे एक ब्लैक रेड वायर लेने वाले हैं, और इसको यहाँ पे MOSFET की थर्ड वाली लेग में इस तरीके से सोल्डिंग कर लेते हैं। ये गाइस हमारे मोटर का वायर है, जो कि हमारे मोटर के लिए गया है। तो अभी हमें क्या करना है, एक रेड वायर अभी हमें और लेना होगा, इसको हमें MOSFET की बीच वाली लेग में सोल्ड कर लेंगे, जो कि इसकी सेकंड वाली लेग है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर लिया। सो गाइस, हमारी सर्किट है अभी बन के रेडी हो गया। तो अभी मैं इसके आपको कनेक्शन समझा दूंगा अभी। सो गाइस, आप वीडियो बने रहना। तो जैसे गाइस, इसका रेड वाला और ये ब्लैक वाला वायर ये हमारे मोटर के लिए है, और जो फ्रेंड्स ये दो वायर बचे हुए हैं ये हमारे बैटरी के लिए हैं। तो आपको इसमें दिख रहा होगा इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है, ये मोटर के लिए है। और गाइस, इसके लिए आपको जो भी फ्रेंड्स के क्वेश्चन हो, आपके जो भी फ्रेंड्स डाउट हो, आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो। तो मैं अभी यहाँ पे पोटेंशियोमीटर में इस तरीके का ये वॉल्यूम लगा देता हूँ, जिससे क्या होगा, हम अपनी स्पीड को एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जितनी हमारे तेज करनी है उतनी तेज, जितनी मंदी करनी है उतनी मंदी भी कर सकते हैं। सो गाइस, ये आपको थोड़ा सा भी अगर यूजफुल लगे तो फ्रेंड्स इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, और फ्रेंड्स चैनल में रहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए फिर आगे इसका हम काम करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक LED का यूज किया हुआ, जो कि फ्रेंड्स इस तरीके से 1K रेजिस्टेंस के साथ लगी हुई है। तो इसके पॉजिटिव वाले पॉइंट में 1K रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे सोल्डिंग करी है। तो सो गाइस, आपकी मर्जी, आप इसमें LED लगा भी सकते हो नहीं भी। तो मैंने यहाँ पे एक इंडिकेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक LED को लगा देता हूँ, जो कि फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे 1K रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, जहाँ पे बैटरी का पावर आने वाला है वहीं पे हमने इसे लगाया। तो अभी आपको कनेक्शन समझा देता हूँ। ये फ्रेंड्स रेड वाला वायर और ये ब्लैक वाला वायर, जिसके फ्रेंड्स मोटर के लिए है, और जो यहाँ पे साइड में ये वायर बचे हुए हैं, ये फ्रेंड्स जो ब्लैक वाला वायर आपको दिख रहा है ये हमारा डायरेक्ट लगने वाला है, जो कि पोटेंशियोमीटर की पहली वाली लेग से लगा हुआ है। और जो यहाँ पे रेड वाला वायर है, इसको हमने MOSFET की बीच वाली लेग में सोल्डिंग कर रखा है। तो गाइस, आपको भी समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो मैंने वीडियो में डायग्राम आपको दिया होगा पीछे, आप वहां से जाके इसका कनेक्शन देख सकते हो। चलिए फिर इसके हम टेस्टिंग करेंगे और देखेंगे फ्रेंड्स इसको हम ये किस तरीके से वर्क करने वाला है, और गाइस इसके क्या क्या। तो जैसे फ्रेंड्स, मुझे पक्का पता है कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल में आने वाला है। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसके आप अपने मोटर की स्पीड को एडजस्ट करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप जितना चाहो उतना मंदा कर सकते हो, जितना तेज चाहो उतना तेज भी कर सकते हो। तो जैसे कि फ्रेंड्स, इसके हम टेस्टिंग अभी हम कर लेते हैं और किस तरीके से वर्क करने वाला है। तो फ्रेंड्स, अभी स्पीड कंट्रोलर की टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे एक 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर का यूज करने वाला हूँ, जो कि 0 12 है। तो अभी आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स इसका स्पार्क, तो आप इसके स्पार्क से पहचान सकते हो फ्रेंड्स ये कितना ज़्यादा पावरफुल ट्रांसफार्मर है। अभी तो हमारी जो वायर है इसने एक बार में ही गला दिया। तो अभी मैं आपको इसका एम्पियर टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो मैंने इस मीटर को भी एम्पियर की रेंज में कर लिया है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव वायर को मैं इस तरीके से लगाऊंगा। इसका एम्पियर फ्रेंड्स आप देखना, फ्रेंड्स ये देखिए अभी 17 एम्पियर बता रहा है अप्रोक्स इस तरीके से, क्योंकि फ्रेंड्स DC होने के बाद इसमें और भी ज़्यादा पावर आ गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, और देखिए गाइस इसका स्पार्क देखिए कितना तेज हो रहा है अभी। तो चलिए फिर अभी हम, तो चलिए गाइस अभी हम स्पीड कंट्रोलर के कनेक्शन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। और गाइस, हम इस स्पीड कंट्रोलर से अभी हम यहाँ पे इस मोटर को चलाने वाले हैं, जो कि 13 एम्पियर की है और 24 वोल्ट की। तो सो गाइस, आप तो जानते हो ये वाली मोटर कितनी पावरफुल होती है और ये कितना ज़्यादा एम्पियर खाती है। तो चलिए गाइस, इसकी हम टेस्टिंग करते हैं अभी। तो इसका हम पॉजिटिव नेगेटिव वायर को यहाँ पे हम अटैच कर लेते हैं, जो ट्रांसफार्मर का नेगेटिव वायर है और पॉजिटिव वायर दोनों को अटैच कर लेते हैं अभी। तो इसके फ्रेंड्स, मैं भी कनेक्शन कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, फ्रेंड्स वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो जैसे ही गाइस इसके सभी कनेक्शन हो चुके हैं, तो इसकी हम टेस्टिंग करते हैं। तो जैसे ही मैं इस पोटेंशियोमीटर को घुमाता हूँ, तो इसकी स्पीड देखिए फ्रेंड्स मोटर कितनी बढ़िया तरीके से एडजस्ट हो रही है अभी। तो इसको स्लो करते ही स्लो हो जाती है, और फ्रेंड्स तेज करते ही तेज हो जाती है। सो गाइस, आप तो जानते हो मैं अपने चैनल में कभी किसी तरीके का कोई फेक वीडियो नहीं डालता हूँ। आप सोच रहे हो कि ये फेक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सो गाइस, एकदम रियल वीडियो है, क्योंकि मैं जो चीज़ बनाता हूँ उसको फ्रेंड्स पहले मैं खुद भी ट्राई करता हूँ, और गाइस इसका मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स ये कितना स्मूथली वर्क कर रहा है। तो गाइस अभी ट्रांसफार्मर थोड़ा इसका वायर डिस्टर्ब हो गया था, इस वजह से रुक गया था मोटर। तो इसकी फ्रेंड्स स्पीड को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो जितना आप चाहो, और जितना स्लो चाहो फ्रेंड्स उतना स्लो भी इसे कर सकते हो आप। तो अभी देखिए फ्रेंड्स ये कितना बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। और गाइस इसकी फ्रेंड्स स्पीड देखिए, कोई फ्रेंड्स इसमें ना ही वोल्टेज हमारा ड्रॉप हो रहा है ना कुछ, और जैसे इसकी स्पीड कम करते हैं तो इसकी स्पीड भी बहुत ही कम हो जाती है। देखिए फ्रेंड्स जितना स्लो घुमाना चाहो उतना स्लो भी ये घूम सकता है, बिल्कुल एकदम स्लोली स्लोली, और जितना फ्रेंड्स तेज चाहो उतना तेज भी कर सकते हो। तो जैसे फ्रेंड्स हमारा जो मॉस्फेट है, अगर हम इसमें 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट देते हैं तो ये बहुत ज़्यादा हीट करने लगता है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम तक चलाना चाहते हो तो आप इसमें फ्रेंड्स 3 एम्पियर तक करंट दे सकते हो। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आपको मतलब 5 एम्पियर 6 एम्पियर तक का भी बना के दिखाऊं, 10 एम्पियर तक का, तो गाइस आप कमेंट में करके जरूर बताना। अगर आपको ये वाला छोटा वाला अगर अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स आपको 3-4 एम्पियर के लिए आपके लिए बढ़िया है ये। और फ्रेंड्स अगर आप बड़ा वाला भी बनवाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट में करके जरूर बताना अगर आपको ये वाला अच्छा लगा हो। सो फ्रेंड्स वीडियो लाइक कर देना, अगर फ्रेंड्स चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो गाइस आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो फ्रेंड्स आप इससे अपनी मोटर की स्पीड को बड़े तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद, वंदे मातरम।